टैक्स चोरी के शक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर 14 फरवरी की सुबह 11 बजे छापा मारा था। आईटी डिपार्टमेंट ने इसे छापे की जगह सर्वे का नाम दिया था। विभाग की कार्रवाई 59 घंटे तक चली और दावा किया गया कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बीबीसी से चाहिए, और अब बीबीसी ने आईटी विभाग के दावे पर अपना जवाब भी दे दिया है। तो क्या कहा है बीबीसी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीबीसी दफ्तर में 59 घंटे की छापेमार कार्रवाई के लिए आईटी डिपार्टमेंट को क्या मिला, अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। आयकर विभाग की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें बीबीसी का नाम तक नहीं लिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी के दफ्तरों में सर्वे का काम किया गया। सर्वे के बाद टैक्स का भुगतान करने में अनियमितताएं पाई गई हैं। आयकर विभाग के इस दावे को केंद्रीय पत्र सूचना कार्यालय PIB ने भी जारी किया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो बयान आयकर विभाग की ओर से दिया गया वो BCCI में हुई जांच के बारे में ही है। अपने बयान में बीबीसी का नाम सीधे तौर पर लेने से भले ही विभाग बच रहा हो, लेकिन निशाने पर बीबीसी ही है, और अब बीबीसी की ओर से इसका जवाब भी आ गया है। बीबीसी की ओर से कहा गया है कि ऐसे किसी भी आधिकारिक संदेश का उचित उत्तर दिया जाएगा जो उसे आयकर विभाग से सीधे तौर पर उसे मिलेगा। बीबीसी ने साफ कर दिया है कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। संस्थान आयकर विभाग का पूरा सहयोग करेगा। आयकर विभाग की ओर से छापेमारी के दौरान जो सवाल किए गए थे उनके भी जवाब दिए गए हैं। छापेमारी के दौरान बीबीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। बीबीसी ने इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि वो पहले की ही तरह काम करेंगे। भारत के साथ दूसरी जगहों पर सेवा देना जारी रखा जाएगा। बीबीसी एक भरोसे वाला और स्वतंत्र मीडिया संस्थान है और वो अपने पत्रकारों के साथ खड़ा है, जो किसी फियर और फेवर यानी डर और पक्षपात के बिना रिपोर्टिंग करना जारी रखेंगे। DB Live की रिपोर्ट।